Hello friends, welcome to Billet Math class, the funny. Today we also discuss the chapter of determinants, exercise 4.5. Now listen to me guys, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन, जिसके पहले वाले वीडियो में कुछ अच्छा नहीं आया था, इसलिए हम इसको चेंज कर दिए, डिलीट कर दिए उस वीडियो को, और उसको दोबारा बनाया है, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ए बराबर दिया है कितना जी, ए बराबर दिया है 3, 7, 2, 5 और बी बराबर दिया है 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये दिया है, ए का मान दिया है 3, 7, 2, 5 और बी का मान दिया है 6, 7, 8, 9, ठीक है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, यही हम लोगों को प्रूफ कर देना है कि ए बी इनवर्स का मान जो होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स की क्या होगा, बराबर होगा। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, और ए बी निकालने के बाद ए बी इनवर्स निकाल देंगे, तो एल एच एस का मान हो जाएगा, उसके बाद बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान निकालेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे और दोनों का बराबर आ गया, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी का मान निकालने के लिए 3, 2, 7, 5 और बी का मान क्या है जी 6, 7, 8, 9, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 6 में 3 से 36, 18 यानी ई आप, और ऐसे चलते हैं, और 7 में 7 से गुना क्या आएगा 49, अब देखिए 3 में 8 से गुना करेंगे 3 का 24 और 9 में 7 से गुना 63। उसी प्रकार इस लाइन से शुरू करेंगे, इसमें तो 6 गुना 12 और 7 में 5 7 बचे 35, उसी तरह 2 में 8 से 8 गुना 16 और 9 में 5 से 9 बचे 45। चलिए अब जोड़ देते हैं इसको, कितना रहा देखिए 49 और 18 9 8 17 4 1 5 1 6 67 आएगा, इधर आएगा 6 3 9 6 2 8 4 3 7 सॉरी 7, उसके बाद 35 12 जो 5 2 7 3 4 47 और इसको जो 5 6 5 11 4 1 5 1 6 61, यह ए बी का मान आया। अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो 67 87 47 61, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसमें इसमें गुना करेंगे, तो 67 गुने 61 माइनस 87 गुने 47। चलिए गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद आएगा हम लोग का 40 87 माइनस 40 89, तो जब घटाएंगे 40 87 में 40 89 तो आएगा -2 जो नहीं है किसके बराबर, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब कि इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता, इसलिए यहाँ पर हम लोग का ए बी का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आया, इसलिए इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखिए आपको मालूम होनी चाहिए कि एडजॉइंट ए निकालना है या ए इनवर्स निकालना है, तो पहले एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है कि जो भी अगर 2+2 का बताया गया है ट्रिक के माध्यम से, 2+2 का क्या होगा, एलिमेंट को चेंज करते हैं, देखिए किस तरह चेंज करेंगे, चेंज इस तरह होता है कि विकर्ण का एलिमेंट चेंज कर देते हैं, तो विकर्ण में कौन कौन है जी 67 और 61 है, तो 61 यहाँ आ जाएगा और 67 यहाँ आ जाएगा, और शेष जो 2 है इसका चिन्ह विपरीत कर देते हैं, मतलब कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, बहुत सिंपल है,
सो -87 हो गया और -47 हो गया, तो ले रहा एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब हम लोग निकाल सकते एडजॉइंट ए बी का वैल्यू, सॉरी अब हम लोग निकालेंगे ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ए बी इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग ए बी इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होगा हम लोग का 1 बाई एड जो ए बी डिटरमिनेंट्स में और एड जो आए ए बी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 1 बाई डिटरमिनेंट्स ए बी का वैल्यू कितना है जी -2, और उसके बाद एडजॉइंट ए बी का वैल्यू कितना है जी 61, -87, -47, 67, ठीक है। अब हम लोग इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -1/2 61 -87 -47 67 आ गया। ये रहा हम लोग का ए बी इनवर्स का मान। अब ए बी इनवर्स का मान आ गया, अब हम लोग निकालेंगे बी इनवर्स का मान और ए इनवर्स का मान, और दोनों का अगर गुणनफल इसके बराबर आ जाता है यानी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 61 -47 -87 67, ये लिख देते हैं हम लोग, याद रहेगा। अब हम लोग को निकालना है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स का वैल्यू, और उसका वैल्यू इसके बराबर आ जाता है यानी सही होगा। चलिए ध्यान से देखिए, दिया है ए इनवर्स ए का वैल्यू कितना जी 3, 5, 2, 7, ठीक है। तो और बी का मान क्या दिया है जी 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटरमिनेंट से का वैल्यू निकालते हैं, 5 3 15 -7 2 14 कितना है 1, और डिटरमिनेंट बी का वैल्यू निकालते हैं 9 9 में 6 से 9 6 54 8 7 56 कितना गया जी -2 आ गया। अब देखिए हम लोग एडजॉइंट ए का मान निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आएगा जी चेंज हो जाएगा 5 यहाँ 3 यहाँ और ये -7 -2 हो जाएगा। उसी तरह एडजॉइंट हम लोग बी का भी मान निकाल लेंगे, क्या होगा जी 9 6 चेंज हो जाएगा और उसके बाद -8 -7 ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट बी का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है कि ये इनवर्स निकालना है, तो ये इनवर्स होता है 1 बाय डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजॉइंट ए। देखिए 1 बाय डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू कितना है जी, डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू 1 है, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है जी 5 -7 -2 3 यानी यही हो जाएगा। और बी इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट्स बी इनटू एडजॉइंट बी। तो देखिए 1 बाय डिटरमिनेंट्स बी का वैल्यू कितना है जी -2 और एडजॉइंट बी का वैल्यू क्या है जी 9 -8 -7 6 कितना गया बी इनवर्स का मान। अब हम लोग क्या करना है जी, इन दोनों में गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद अगर इतना आ जाता है तो हम लोग का सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद b इनवर्स इनटू a इनवर्स का वैल्यू, देखते हैं कितना आता है b इनवर्स इनटू a इनवर्स का वैल्यू। देखिए अरे कैसे b इनवर्स इनटू a इनवर्स, तो b इनवर्स का वैल्यू कितना है जी -1/2 और यहां है 9 -7 -8 6 और ए इनवर्स का वैल्यू क्या है जी 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा कर 1 ही होगा, रहने देते हैं 5 -7 -2
थ्री, ठीक है। ऑलरेडी इतना मिला हम लोगों को, अब हल करते हैं, देखिए क्या होता है। 9 में 5 से 9 पचे 45, 8 में 2 से 8 दूना 16, उसके बाद 9 में -7 से 9 सते 63, और आखिरी का 24। चलिए आगे देखते हैं, -7 में 5 से -35, प्लस 6 में 2 से -12, उसके बाद -7 में 7 से 7 49, और 6 में 3 36 18। चलिए हल करते हैं, हल करने के बाद देखिए क्या आता है, -1/2 तो ऑलरेडी रहेगा ही। अब देखिए क्या, तो 45 16 जोड़िए कितना आएगा, तो 45 16 कितना आएगा जी, 6 5 11 61 आएगा, और इसको जोड़ना 4 3 7 और 6 2 8 -87 आएगा, इसको जोड़ेंगे आएगा 5 2 7 3 1 4 -47 आएगा, और इसको 9 8 17 4 1 5 1 6 67। तो देखिए, तो ये दोनों वैल्यू जो भी आया इक्वल है, यानी ए बी इनवर्स बराबर हम लोग को मिल गया बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है क्या, ए बराबर दिया है हम लोग का 3 1 -1 2, ठीक है, और दिखा देना हम लोगों को ए स्क्वायर -5 a + 7i = 0, ये दिखाना है। ए का मान इतना दिया, इतना दिखा देना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 होता है, और इसके बाद इसकी सहायता से इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, ए का मान दिया तो ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर और लिख सकते हैं 1 गुने a, तो ए का मान क्या है 3 1 -1 2, और एक बार और लिखेंगे 3 1 -1 2, ठीक है। तो क्या 3 में 3 से गुना करते हैं, 3 का 9, और 1 में -1 से गुना करेंगे -1, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, -1 में 3 से गुना करेंगे -3, और 2 में -1 से गुना करेंगे -2, उसका -1 में 1 से गुना करेंगे -1, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 2 5 -5 और 3 यहाँ पर आ गया। ये हुआ किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग दिखा देंगे ए स्क्वायर -5a + 7i का, इसका अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो समझ जाइए कि 0 हो जाएगा। तो 8 5 -5 3, ठीक है, और -5, 5 से 8 इसमें 5 से गुना कर देना है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। ए का वैल्यू 3 1 -1 2 है, +7, आई का वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। देखते हैं उसके बाद सब लिख देते, चलिए आएंगे +7i हो गया, देखते हैं कितना आता है, 8 5 -5 3 -5 से गुना कीजिए, 5 15 5 -5 5 2 10, +7 से गुना करें 7 0 0 7, ठीक है। चलिए हल करते हैं, इसको इसको जोड़ देते हैं, 8 7 15 5 में से 5 है, 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, -5 आएगा,
और 3 और 10 कितना आएगा, 3 और 7 10 आएगा, माइनस इसको लिखेंगे 15, 5 माइनस 5 10। चलिए घटाइए, घटा के देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए 15 में से 15 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, -5 में से -5 जाएगा 0, और 10 में से 10 जाएगा 0, यानी हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम लोग दिखा चुके हैं अब कि a² - 5a + 7 है इक्वल टू क्या आ गया 0। अब चलिए इसकी सहायता से निकाल देना है हम लोग को a इनवर्स का मान, तो इसकी सहायता से a इनवर्स का मान निकालेंगे हम। देखिए a² - 5a + 7i = क्या दिया है 0, और इसकी सहायता से इनवर्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे 7i को ले जाएंगे, तो a² या क्या करते हैं रहने देते हैं a² - 5a = -7i हो गया। अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से गुणा करने पर a² - 5a (a)² हो गया, उसी तरह -7i (a)². चलिए गुणा करते हैं, स्क्वायर में से वो कम हो जाएगा, ए बचेगा और a(a)² क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, बराबर -7a(a)². ठीक है, अब देखिए a(a)² के बाद -1 में 7 हो जाएगा नीचे, और a - 5i इक्वल टू क्या बचेगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मान निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर -1/7 हो जाएगा, और इसमें मारा कि ए का मान कितना है जी 3 1 -1 2 -5i, यानी 5i का वैल्यू 5005। चलिए इसको हल कर दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर हो गया -1/7। चलिए हल घटाते हैं, 3 में से 5 जाएगा -2, 1 में से 0 जाएगा 1, और -1 में से 0 जाएगा -1, 2 में से 5 जाएगा -3, यानी ये रहा आपका आंसर, यानी इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू इतना, ये रहा हम लोग का आंसर, ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। टू चाहेंगे तो माइनस से गुना भी कर सकते हैं, या ऐसे भी हो जाएगा आंसर हम लोग का 1/7, माइनस से गुना होगा 2 1 3 और ये हो जाएगा क्या -1। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 14, और इसी टाइप का दो क्वेश्चन है 15 और 16, इसी टाइप का आप बना सकते हैं 15 और 16 नंबर क्वेश्चन। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए ध्यान से, दिया है क्या कि a बराबर दिया है हम लोग का मान 3 2 1 1, ठीक है, और दिखा देना है a और b का मान निकालना है, जहां a² + aa + bi = 0 दिया है। तो पहले a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या 2 लिखेंगे 3 2 1 1,
उसी तरह 3 2 1 1, चलिए गुना करते हैं, तितली का 9, 2 एकम 2, 3 दुना 6, 2 एकम 2, 1 में 3 से 3 आएगा, 1 में 1 से गुना हुआ, 1 में 2 से गुना हुआ 2 और 1 में 1 से गुना हुआ। चलिए हल करते हैं, 9 2 11, 6 2 8, 3 1 4, 2 1 3, यानी ये ए स्क्वायर का मान आ गया। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया? ग्यारह आठ चार तीन, ठीक है। अब मान रखेंगे, यहां रख देंगे ए स्क्वायर का मान 11 4 8 3 प्लस ए, और ए का मान कितना है जी? यही रहा ए का मान 3 2 1 1, 3 2 1 1 प्लस बी, आई का मान क्या है? 1 0 0 1 बराबर क्या दिखाना है? 0। चलिए पहले गुना कर देते हैं, 11 4 8 3 प्लस ए से गुना करें, 3 a 2 a a a प्लस बी से गुना करेंगे, बी 0 0 b बराबर 0। चलिए हम जोड़ते हैं सबको, तो जोड़ेंगे इस तीन को, तीनों को, तो 3 a प्लस b प्लस 11 आएगा, उसी तरह 8 प्लस 2 a प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस a आएगा और 3 प्लस 3 प्लस a प्लस b आएगा बराबर 0 0 का मतलब 0 0 0 0। चलिए देखिए, अब कंपैरिजन करेंगे संगत एलिमेंट को लेके, तो लिख सकते हैं 8 प्लस 2a बराबर 0 या 4 प्लस a बराबर 0, यानी 4 प्लस a बराबर 0 लिखेंगे, तो ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? -4, ठीक है। उसी तरह इसको भी बराबर करेंगे, तो 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, और रखिए 3 प्लस a का मान कितना? -4 प्लस b बराबर 0, तो 3 में 4 जाएगा -1 प्लस b बराबर 0, यानी b का मान कितना आ गया? +1। तो ये रहा पहला और एक दूसरा ए और बी का फाइनल आंसर आ गया। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हुआ, और 13 नंबर की तरह ही 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप उसको बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है।